हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज हम बात करने वाले हैं SBI क्लर्क मेंस 2021। मेरा खुद का सेल्फ एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, आज 1 अक्टूबर 2021 है। अब हम बात करने वाले हैं कि मैंने क्या अटेम्प्ट्स किए, क्या मेरी एक्यूरेसी थी और किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न था, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, सब कुछ हम बात करने वाले हैं डिटेल से। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा, आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन मॉडरेट था, ईजी था, सब बताइए और अपने अटेम्प्ट्स लिखना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीए के सेक्शन से, जनरल अवेयरनेस, जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगती है हमेशा से। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने इस बार ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं क्योंकि मैंने इस बार मेहनत भी ज़्यादा की थी। मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरली 5-6 घंटे सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए रखे थे पिछले 18 दिनों से। तो इसमें मेरा अटेम्प्ट 35 रहा है 50 में से, स्टिल कम है। कुछ गेस वर्क्स भी थे और कुछ एग्जैक्ट मैंने लिखे थे। इसका मॉडरेट लेवल था मुझे लगता है। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी थे और कुछ क्वेश्चंस सिर्फ डायरेक्ट आए थे। तो इसमें मेरा अटेम्प्ट 35 रहा है 50 में से। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश मुझे मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे इजी भी मुझे आज इंग्लिश ही लगा। मुझे लगता है कि मेंस लेवल भी नहीं था, बहुत इजी लेवल आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे और मैंने 40 out of 40 हमेशा की तरह अटेम्प्ट कर लिए। आप अपना बताइए आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपको इंग्लिश का सेक्शन कैसा लगा। मुझे बहुत ईजी लगा पर्सनली। तो इंग्लिश में मैंने देखा कि दो आपके पैसेजेस आए थे, बहुत ही ईजी पैसेजेस थे, डायरेक्ट आंसर्स आप निकाल सकते थे, कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड थे। और दूसरी चीज़ मैंने देखी, पैराजम्बल आया था जो बड़ा सा था और मुझे पहले लगा कि ये टफ होगा, बट बाद में जब मैंने उसे अटेम्प्ट किया बहुत इजी लगा वो मुझे। पैराजम्बल की बात हो गई, एरर्स के बहुत कम क्वेश्चंस थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे, वर्ड रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरीके का सेक्शन था, ईजी था, कोई नया पैटर्न इसमें नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं मैथ्स। मैथ्स आज के एग्ज़ाम की सबसे टफ पोर्शन था। इवन जब मैं क्वेश्चंस बना रही थी तो सिर्फ 20 मिनट बचे थे और मैंने सिर्फ 15 से 16 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि इसमें मैं आगे कुछ क्वेश्चंस कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने पूरा पेपर देख लिया था, उसमें से मुझे बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे जो डुएबल हों, जो मैं कर पाऊँ। ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, मैंने पूरा पेपर देख लिया, उसमें मुझे मिल ही नहीं रहे थे जो डुएबल क्वेश्चंस हों। तो मैंने इसमें 50 में से सिर्फ 22 अटेम्प्ट किए हैं। आप अपना अटेम्प्ट ज़रूर बताइए कि मैथ्स में आपने कितने अटेम्प्ट किए। मैथ्स में अगर किसी ने अच्छा अटेम्प्ट किया है अच्छी एक्यूरेसी के साथ तो उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें किसी ने 25 या 30 से ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि बहुत ही टफ सेक्शन था। DI भी बहुत टफ आई थी और मिसलिनियस क्वेश्चंस बहुत कम थे। अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे जो मैंने किए। अब लास्ट है रीजनिंग। रीजनिंग आपको लगा होगा मॉडरेट आई है, बट यकीन मानो दोस्तों, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सच में बहुत इजी थे। इवन मेरे लास्ट में सिर्फ 3 मिनट बचे थे और लास्ट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे ही नहीं थे। जब मैंने देखे, इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो, और मैंने 2-3 क्वेश्चंस ही उसके कर पाई थी मैम। तो जिसने पहले लुक में पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा उसके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। मैं एक पजल में फंस गई थी, वहाँ पे मेरा 5 मिनट ख़राब हो गए। और अगर किसी ने पजल नहीं भी बनाए होंगे तो मिसलिनियस इतने सारे थे कि आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते थे। इसमें मैंने 27 अटेम्प्ट किए, तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रहा 35 जीए में, 40 इंग्लिश में, 22 मैथ्स में और 27 रीजनिंग में। तो टोटल अटेम्प्ट मेरा 124 रहा। आप अपना अटेम्प्ट बताइए आपने कितना अटेम्प्ट किया। मैंने राजस्थान से भरा था जनरल कैटेगरी, इसकी पिछले साल की कट ऑफ 90-91 कुछ गई थी। इस साल क्या होने वाला है कुछ कह नहीं सकते हैं, कट ऑफ आजकल हाई जा रही हैं बैंक एग्ज़ाम्स की, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आपके लिए एग्ज़ाम आज का कैसा था, मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत चेंजेस थे, बस मैथ्स का मुझे बहुत टफ लगा था। बाकी अच्छा क्वेश्चन पेपर था। RRB PO जितनी GA तो नहीं आई थी, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने रिव्यूज़ देखे थे, बहुत टफ आई थी, बट ये इतनी टफ नहीं थी, डुएबल थी। जिसने अच्छे से पढ़ी होगी उसने 40-45 क्वेश्चंस कर लिए होंगे, अच्छी थी GA भी। और इंग्लिश सबसे ईजी थी, सबसे अच्छा पार्ट मुझे वही लगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अपना अटेम्प्ट और ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।